वेलकम समीर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इनके भाई की भी सिलेक्शन हो गई इस साल, तो विच इज अगेन अ ट्रमेंडस थिंग कि फैमिली में इकट्ठे सिलेक्शन देखने को मिलती हैं। थैंक यू शेखर सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू द सीपी ग्लासेस फॉर ऑल योर सपोर्ट दैट यू हैव गिवन मी फॉर लास्ट 2 इयर्स। द एसोसिएशन विद यू हैज बीन वेरी गुड, वेरी फ्रूटफुल फॉर मी। दिस वॉज माई 5th अटेम्प्ट एज यू नो, तो 5वें अटेम्प्ट था, लेकिन रिजल्ट के आने के बाद जितना जितना आप लोगों सबसे प्यार मिला, तो ऐसा लग रहा है कि 5वें अटेम्प्ट नहीं था, पहले अटेम्प्ट था। इतना एनर्जी है, मतलब इतना ज्यादा उसका एक इतना एनर्जी, इतना लव मिला है, अफेक्शन मिला है कि इट फील्स लाइक इट इज द फर्स्ट अटेम्प्ट। और अब ज्यादा मेहनत नहीं की ऐसा लग रहा है। पूरी जो मेहनत की जो थकान थी वो पूरा निकल गया बिकॉज ऑफ द ऑल द लव दैट हैज बीन शावर्ड ऑन मी फॉर लास्ट 2-3 डेज। ऑन अ सीरियस नोट, इट वॉज अ 5th अटेम्प्ट, सो डेफिनेटली 5 अटेम्प्ट्स विद जॉब। आई गेव ऑल माई अटेम्प्ट्स विद माई जॉब एट RBI. Okay. So it was not an easy job for me because managing office, that also is a very responsible position I was holding in RBI. I still hold that position. To manage the job with that was always difficult. But yet, I was going with slow and steady thing. Whatever I had time, I can buy out after the office, not in the office, after the office. I was utilizing the time very well. And I was writing a lot of tests, prelims, mains. I wrote a lot of tests and mock interviews. I gave a lot of mock interviews for my this PT also. and because of this I got maybe it took 5 attempts, like but I'm very satisfied, at least I have cleared examination with a good rank this time. Right. So prelims maine this was my 5th attempt, so maine 3 baar prelims clear kiya hai. Okay. Aur 2 baar mains clear kiya hai. तो पहली बार जब मैं प्रीलिम्स दिया था तो मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, तो मेरा मैं क्वालिफाई भी नहीं हुआ। दूसरी बार मैंने सिर्फ PYQs किए थे तो मेरा प्रीलिम्स हो गया था। तीसरी बार मैंने PYQs तो किए ही थे, थोड़े बहुत मॉक टेस्ट भी लगाए थे कोचिंग्स के जो रैंडमली आपको फ्री में मिलते हैं। मैंने कोई परचेज कभी कुछ नहीं किया था, मतलब आई हैव टेकन फ्रॉम ऑनलाइन एंड ऑल स्टफ वो लिया था, तो उसमें मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था। फिर 4th और 5th अटेम्प्ट में मैंने काफी सारे कोचिंग्स के फुल लेंथ टेस्ट लगाए थे। बोला देर आर 3-4 इंस्टीट्यूट जिनका मैंने फुल लेंथ टेस्ट लगाए थे, और तकरीबन आपको मैं नंबर बताऊं तो 30 टेस्ट तो आराम से लगाए होंगे। एंड आई कैलकुलेटेड माई स्कोर ऑल्सो, एंड आफ्टर माई स्कोर कैलकुलेशन आई वॉज एबल टू फाइंड आउट दैट आई वॉज नॉट स्कोरिंग लेस देन 95 इन एनी टेस्ट। ओके, दैट वॉज अ लाइक गिरी सी गिरी हालत में कुछ क्वेश्चन सही कुछ क्वेश्चन गलत करके उससे कम नंबर नहीं आते। तो वो पता चल गया था कि हाँ ठीक है, इतना लेवल बन गया है। तो दैट वाज अ सैटिस्फैक्शन फॉर मी। जहां तक है मेंस की बात, तो मेंस के लिए मेरा ये 3रा मेंस था। ओके, इस वाले मेंस के लिए मैंने 12 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे जीएस के। ओके, 6 मैंने एसए के दिए थे और 10 सोशियोलॉजी के दिए थे। तो 28 टेस्ट मैंने टोटल इस बार लिखे थे, और एक आध दो आई थिंक ऊपर नीचे और भी कुछ टेस्ट लिखे थे, वो हाफ लेंथ ऐसा कुछ लिखे थे सोशियोलॉजी के। तो अराउंड 30 टेस्ट मैंने किए थे। और अगर मॉक इंटरव्यूज की बात की जाए तो सर वो मेरा बहुत सारे दिए थे, लाइक इट्स 12-15 मॉक्स मैंने दिए थे आराम से, 15-16 मॉक्स तो दिए होंगे वहां जाकर, उसके बाद ऑनलाइन भी दिए होंगे, तो 20 मॉक्स दिए होंगे मैंने तकरीबन इस बार। हाँ, PYQ सर मैंने एक्चुअली प्रैक्टिस किए थे, तो PYQs में मैंने रिकरिंग थीम्स देखी कि इन व्हाट टॉपिक्स द क्वेश्चंस आर गेटिंग रिपीटेड। ओके, यू कम टू पॉलिटी, इट्स फंडामेंटल राइट्स, दे आर गेटिंग रिपीटेड, DPSPs रिपीट होते हैं, आपका पार्लियामेंट का जो फंक्शनिंग रिपीट होता है, बिल्स का रिगार्डिंग जो रहता है। राइट, इफ यू कम टू इकोनॉमी, अगेन द इन्फ्लेशन से लेके टॉपिक्स, या फिर RBI के बारे में टॉपिक्स गेटिंग रिपीटेड फॉर लास्ट फ्यू इयर्स नाउ। Then environment and science and tech a bit unpredictable, so in that the themes I cannot find out. History में again ancient history पे questions आते हैं, modern पे भी आते हैं, इस साल तो नहीं आए थे कुछ भी, लेकिन वैसे हमेशा आते हैं, तो उन themes को मैंने check किया। और कभी कभार ये भी कोशिश करी कि जैसे अगर कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा interesting कुछ निकल रहा है, कुछ अच्छा interesting topic कुछ है, तो उसको मैंने practice भी किया, उसके मैंने और भी notes बनाए थोड़े बहुत। अच्छा, coming to mains, मेंस में सबसे जरूरी ये है कि ये देखना कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम है। ओके, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जीएस में सोशियोलॉजी में जो आपको पता ही है कि वो एक ही बार आएंगे, अब फिर वो नहीं आएंगे। ओके, वी डू नॉट हैव टू लूज स्लीप ओवर दोस क्वेश्चंस। ओके, जैसे उसी साल कुछ कॉन्टेक्स्ट में रहा होगा तो वो पूछ लिया, अब दोबारा टेंशन की जरूरत नहीं है। इवन सोशियोलॉजी में तो सर बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के भी पूछ लेते हैं, ऑप्शनल में तो ये रहता है कि कहीं भी बिना कॉन्टेक्स्ट के पूछ लेते हैं। यू नो दैट अभी डेविड मॉर्गन का फैमिली आ गया था, और तो आपको नहीं पता होता, लास्ट टाइम लीला दुबे आ गया था सीड एंड अर्थ वाला। तो इफ यू सी दीज क्वेश्चन, ये हर साल आते रहते हैं, आप पहले भी देखेंगे तो आपको विल फाइंड दीज क्वेश्चंस एक या दो।
तो जीएस में भी वी हैव टू फाइंड दिस वन और टू क्वेश्चंस, बाकी सारे क्वेश्चंस आई यूज्ड टू प्रैक्टिस. ओके, आप उसको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, माइंड मैपिंग कर सकते हैं. पेपर वन और पेपर फोर में पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पेपर वन इज स्टैटिक, तो उसमें तो काफी आपको मिल जाता है. एंड इथिक्स के केस स्टडीज तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन स्टैटिक, सेम टाइम क्वेश्चंस आते हैं. और पेपर टू थ्री के पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट, बट वन और फोर के आर मोर इंपॉर्टेंट. ओके, फोर, ओके. यस सर, एथिक्स के सवाल बिल्कुल लिखे थे और केस स्टडीज बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, और नेट से जो केस स्टडीज मिली, और फिर जो इनसाइट्स ऑन इंडिया से भी अपने जो डेली की आती है उनको भी लिखा था मैंने. ओके, कोचिंग के मॉक से लिखे थे, तो बहुत सारे लिखे थे, तो काफी सारे केस स्टडीज लिखे थे. अराउंड 70 लिखे होंगे, 70 80 तो 100 तो लिखे होंगे. 100 तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं. नो सर, कोचिंग फिल्म्स और मेंस के लिए कभी नहीं ली. बहुत पहले मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी फिल्म्स के लिए, बट मैंने आई ड्रॉप्ड आउट इन बिटवीन. अच्छा, रीजन क्या रहा, क्यों, कि टाइम का इशू समझ नहीं आ रहा था? यस सर, आई वाज इन कॉलेज ओनली एक्चुअली, तो मैंने बहुत जल्दी ज्वाइन कर ली थी कोचिंग, तो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था उसको. कोचिंग की अगर बात करें तो कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट रह गई है? सर मैंने तो कोई कोचिंग ऐसे करी नहीं, तो स्टिल आई एम स्टडिंग हियर, और मैंने आरबीआई के लिए भी कोई कोचिंग नहीं की थी, तो जितने भी एग्जाम्स दिए मैंने कोई कोचिंग तो नहीं की उसके लिए. और सेम मेरे ब्रदर के साथ भी, उसने तो खैर कभी भी कोई कोचिंग नहीं करी. तो यूपीएससी के हिसाब से कोचिंग का आई डोंट थिंक इतना रिलेवेंस है, अगर आपका बेस स्ट्रांग है. सी आई एम सेइंग विद एवरीबॉडी हैज डिफरेंट बेस, राइट? वी वर प्रिविलेज्ड टू हैव अ स्ट्रांग बेस, सो फॉर अस इट वाज नॉट एन इशू, वी कुड हैव मैनेज समहाउ. एंड स्टिल आई जॉइंड अ कोचिंग फॉर सम टाइम, सो आई कैन नॉट से मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया. सो आई हैड दिस एक्सपोजर, सो थोड़ा बहुत एक्सपोजर अगर मेरे जैसा है तो चलता है, बट इट्स नॉट वेरी नेसेसरी. इफ यू आर एबल टू गेट द पल्स ऑफ द एग्जाम थ्रू मे बी पीवाईक्यूज, सिलेबस, या कोई आपका पर्सनल मेंटरशिप है, तो दैट इज बेटर. इंटरनेट की एरा में ना जो चीजें, मुझे तो खुद लगता है कि अभी तो जैसे टेलीग्राम, यूट्यूब, इतने बड़े ये खुद ही वो बन चुके हैं कोचिंग सेंटर्स, और इतने डेमोक्रेटाइज हो रही हैं चीजें रैपिडली. तो ओवर सप्लाई का इशू है यहाँ पर, कि ओवर सप्लाई हो रहा है. कई बार तो लगता है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, उसके लिए अलग एक डिस्क्रिप्शन चाहिए, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि अभी जो ढूंढने वाले को मिल जाएगा कुछ ना कुछ. तो ये सर, आई एग्री टू द फैक्ट कि इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहा इन चीजों का, बट स्टिल अगर किसी को लगता है कि ठीक है एक पढ़ाई करनी है, एक बार सिस्टमैटिकली पढ़ना है. कई लोग ऐसे होते, मेरा एक फ्रेंड है, वो बोलता था कि यार मैं कोचिंग जाता था, कोचिंग में जो पढ़ाते थे उसको शाम को रट लेता था. अच्छा, तो कोचिंग के कारण मेरा सिलेबस पूरा हो गया. ओके, से मैं इतना स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाता. क्या हुआ दोस्त का फिर? दोस्त का सिलेक्शन पहले ही हो गया था सर, उसका 2-3 साल पहले ही हो गया था, वो आईपीएस बन चुका था वो. बढ़िया बढ़िया, बहुत सही स्ट्रेटजी काम कर गई. तो उसने एक साल ही कोचिंग की, एक साल में उसका एग्जाम हो गया. मतलब अच्छा, मतलब कोई ऐसा नहीं कि एक साल कोचिंग, एक साल पढ़ाई करी, उसी साल उसका पूरा काम हो गया. ओके, सही. तो उसका ये कहना था कि मैं कोचिंग के नोट्स को रिवाइज कर लेता था, और मेरा स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़ी ली थी मैंने, तो मेरा काम हो गया उससे. सर मिक्स्ड इमोशन होता है कभी. जो आप पहला आपने बोला कि यार मेरे पास कॉन्फिडेंस बहुत है, एग्जाम के दिन जाते हो तो कॉन्फिडेंस बहुत लगता है कि चलो ठीक है, इट विल बी गुड, ओनली मैंने टफ एग्जाम क्लियर किया है. कभी कभार जब आप डिमोरलाइज हो जाते, कभी तो आपको लगता है कि यार इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब आपको लगता है कि जॉब भी बैलेंस करना है, और फिर कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत लेट बैक भी हो जाता है कि अच्छा जॉब है तो फिर इतना मेहनत क्यों करना, आप सर्विस के लिए ही छोड़ेंगे, तो फिर तो मतलब वही इंसान अपने आप को भी देना चाहता है चलो ठीक है सब ठीक चल रहा है. तो मिक्स फीलिंग होती है, बट यस ओवरऑल कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है. पढ़ाई का समय कम होता है तो कॉन्फिडेंस उसको पूरा कर देता है. ओवरऑल इट्स वेरी गुड, पॉजिटिव ओनली होता है आप कहें तो. तो एक ना हमारा ऐसे पर्टिकुलर स्लीपी वालों का ना बहुत एक्सपीरियंस रहा है उन बच्चों के साथ जो कि कहीं ना कहीं किसी जॉब में, वो हमारे मायने में समहाउ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं. किसी कॉलेज में होगा कोई, या कोई जॉब में होगा, किसी तरह से अगर जो ऑक्यूपाइड है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ आवर्स, वो अच्छा रिजल्ट लेकर आता है हमारे साथ, ऐसा हमने देखा है. तो कि शायद वो बेटर टाइम यूटिलाइज कर पाते हैं, तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव, ऐसा क्यों होता है कि जो ऑलरेडी जॉब में, यूपीएससी फेवर करता है या टाइम की वैल्यू बढ़ जाती है बच्चे के लिए, क्या रीज़न होता है कि जॉब वाले जो सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम की वैल्यू का ही रीजन है, बिकॉज आपके पास कम टाइम है, तो आपको पता है कि आप लिमिटेड पढ़ सकते हो. तो जो आपने ओवर सप्लाई की बात कही थी, वो ओवर सप्लाई हम लोग के साथ नहीं होता. हमें पता है कि लिमिटेड ही पढ़ सकते हैं, लिमिटेड टाइम है हमारे पास, और लिमिटेड टाइम में रिकॉल कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हैं. तो कम कंटेंट पढ़ते हो उसको अच्छे से पढ़ते हो, और आप जो बाहर की नॉइज होती है, जो टेलीग्राम या उसकी जो नॉइज होती है अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट, उसको आप अपने आप बच जाते हो उससे. मतलब एफर्ट नहीं लगाने पड़ते बचने के लिए उससे. Okay. तो जैसे मेरी आपसे भी बात होती थी, तो बहुत टारगेटेड बात होती थी, मतलब अपनी जो बात होती थी कि हाँ ठीक है सर, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, तो ना मेरा टाइम वेस्ट हुआ ना आपका, अपने बात भी अपनी पूरी हो गई. तो ऐसा ही इंटरेक्शन होता है किसी से भी आपका,
किताबों से भी आपका ये इंटरेक्शन होता है कि यार जो पढ़ा ठीक है इतना छोड़ा छोड़ दिया, तो अपन को उस कारण से इट इज इम्पोर्टेंट. यूपीएससी तो अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है फेवर नहीं करती, मुझे लगता है फेवर करना चाहिए बिकॉज इतना तो हम लोग जॉब के साथ करते हैं, बट इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड, दैट इज वेरी गुड कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको जॉब में हो या नहीं हो, बट इट्स द कैंडिडेट्स एफर्ट ओनली दैट पेस ऑफ एट द लास्ट. एक्चुअली कैंडिडेट के अपने एफर्ट है सर. एग्जैक्टली. ओके, कभी घर वालों से दबाव महसूस हुआ कि बेटा यूपीएससी तो करना ही करना है क्रैक, कुछ भी मर्जी करो करो, बाकी जो मर्जी करो ये पक्का करना? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं था. मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ ये करना है. उन्होंने बोला, क्योंकि सब सर्विस क्लास में ही थे, सभी लोग अच्छे गवर्नमेंट जॉब में ही थे, तो उनका था कि आप गवर्नमेंट जॉब्स में जाओ, बट एक बार जब मेरा आरबीआई में हो गया तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पढ़ाई के लिए कभी कुछ नहीं बोला. ओके, उन्होंने बोला कि ठीक है, इसके ऊपर जो मिला इट्स अ चेरी ऑन द केक, तो अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी ठीक है. तो अभी जैसे अगर स्कूलिंग से लेके अभी तक देखो तो कब सपना बनना शुरू हुआ था यूपीएससी? सर 2013-14 में मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया था जो बच्चों को पढ़ाता था. ओके, कौन सी क्लास में? मैं तब थर्ड ईयर में था कॉलेज की. तो आप थर्ड ईयर में था मैं कॉलेज की. तो एक्चुअली जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने अपने फादर की जॉब को देखा, अपनी मदर की जॉब को देखा, अपने आसपास के एनवायरमेंट को देखा, तो मुझे समझ में आया कि मुझे सब कुछ करना है ये सब. और सब कुछ तो इसे वाईएस कर सकता है ये. okay. ठीक है, मेरे पापा पीएसयूज में, तो उसमें काम करना, हेल्थ right. में मेरी मदर है तो हेल्थ के क्षेत्र में काम करना, एजुकेशन में मैंने खुद काम किया तो एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना, तो ये सारे काम आईएएस कर सकता है. तो मैंने फिर उसी समय सोचा कि चलो आईएएस जब सरकारी नौकरी करनी है, जब घर वालों की तरफ से है कि प्रेफरेंस वही है और मेरा खुद का भी वही है, तो आईएएस की नौकरी तो सबसे अच्छी नौकरी है देश में. ये तो मतलब मोस्टली एक आर्गुमेंट है बट है अभी तो. तो उसी की फिर मैंने तैयारी करी और बीच में मुझे लगा कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है. Okay. मुझे पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं करना है. आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग कि मैं इंडिपेंडेंस पे बहुत बिलीव करता हूँ कि अपना खुद का एक आईएनटी होना चाहिए पेरेंट्स की आईएनटी से ऊपर. तो मैंने फिर ऐसे जॉब्स देखने चालू किए जिसका जिसका सिलेबस यूपीएससी की तरह है और जो उतने ही अच्छे हैं. ओके, और थैंकफुली फिर मुझे आरबीआई ग्रेड बी का पता चला, मैंने उसको क्रैक किया. आई वाज वेरी वेल सैटिस्फाइड इन आरबीआई एक्चुअली. वंस इन अ पॉइंट ऑफ टाइम मैंने छोड़ दी थी तैयारी, बट फिर मुझे लगा कि ठीक है इतना टफ एग्जाम क्लियर किया जो आपने बोला अभी, तो फिर उसको मैंने फिर और एफर्ट लगाना चालू की और मुझे सक्सेस मिला. मैं प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर लास्ट ईयर इंटरव्यू तक पहुंचा, तो इसलिए फिर आई एम सैटिस्फाइड कि मेरा हो गया फाइनली. और जैसे लास्ट टाइम से और इस टाइम में क्या बदलाव किया? रिवीजन ज्यादा था सर, और कुछ तो बदलाव नहीं था. रिवीजन और ज्यादा था, रिटेंशन अच्छा था. सोशियोलॉजी में थिंकर्स याद आ रहे थे, एग्जांपल याद आ रहे थे, तो पिछली बार वो याद नहीं आ रहे थे एग्जाम में, इस बार वो ज्यादा याद आ गए थे. तो बस यही मैं समझता हूँ. एक एक्स्ट्रा साल भी लगा दिया है ना, तो उसका फर्क भी होता है. और लगता है कि बस अब आखिरी एक पॉइंट रह गए, इसको इसको नहीं छोड़ना, तो और एम्स्यू बढ़ जाता है. और जब भी मैंने टेस्ट लिखे हमेशा टाइम बाउंड लिखे. मेरा रिकॉर्ड रहा, मैंने पहले से लेके आज तक 100 टेस्ट लिखे होंगे कम से कम. अच्छा. कभी भी मेरा ऐसा नहीं 3 घंटे से ऊपर गया हो. मेरा हमेशा पेपर कंप्लीट होता था. ओके, इस बार मुझे इवन पेपर करना मुश्किल कंप्लीट होने में मुश्किल आ रही थी बिकॉज मेरे पास कंटेंट बहुत बढ़ गया. ओके, पहले मेरे पास कंटेंट इतना नहीं था तो फिर 3 घंटे में हो ही जाता. इस बार ऐसा हो गया था कि मेरे को पेपर कंप्लीट नहीं हो रहे थे. लेकिन हाँ, मेंस के पेपर अच्छे से पूरे कंप्लीट हो गए, बहुत अच्छे से टाइम मैनेज हुआ. बट जो मॉक मैं दे रहा था तो मेरे को डर लग रहा था कि यार आई एम मिसिंग, लाइक आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बिकॉज मुझे डायग्राम्स बना रहा था सब में, फ्लो चार्ट बना रहा था, तो उसमें टाइम खराब हो रहा था. तो ये जैसे फ्लो चार्ट्स वगैरह का आइडिया कैसे, जो कहां से आया, कैसे इनकलकेट किया? इनकलकेट सर बेसिकली टॉपर्स कॉपी से कुछ किया मैंने. फिर अपना मैंने देखा कि जो मैंने पहले स्कूल में टाइम पढ़ाई करी है, मैं स्कूल में ध्यान आया कि स्कूल में मैं ये सब करता था. Okay. तो अपने भाई से डिस्कस किया, तो हम लोगों ने इस पे ऐसा फ्लो चार्ट से ज्यादा डायग्राम्स पे ज्यादा था, डायग्राम्स और जो ब्लॉक्स होते हैं वो बनाने पे ज्यादा था. फ्लो okay. चार्ट्स तो थोड़ा बहुत एथिक्स में ही बनाया, लेकिन okay. ब्लॉक्स और डायग्राम बनाने में बहुत ध्यान था. ओके तो ये जो ऐसा ना, एक मुझे पर्सनली बहुत डिलेमा फील होता है कि क्या हर क्वेश्चन में हमें फ्लो चार्ट डायग्राम बनाना चाहिए, या क्योंकि फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाने में भी वक्त जाएगा और वो स्पेस भी ले जाते हैं. आपके पास कंटेंट ऑलरेडी ज़्यादा होता है, आपको उसमें स्पेस अगर फ्लो चार्ट डायग्राम को दे दोगे तो और जगह कम रह जाएगी ना, तो कैसे इसको बैलेंस आउट करते हो एग्जाम में? सब पेपर वन में देखिए ज्योग्राफी है तो उसमें तो सब में बनाना है, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन 5-6 में तो बनाना ही है. सोशल सोशल वाले क्वेश्चन में छोड़ सकते हो. हिस्ट्री में अगर कंटेंट कुछ क्वेश्चन में कम होता है तो बनाना पड़ता है, एंशियंट वालों में कम रहता है, कुछ थोड़ा अजीब से सवाल आ जाते हैं तो उसको फिर बनाना ही पड़ता है भरने के लिए. तो 7-8 क्वेश्चन में आपके वहां बना दिया आपने. पेपर 2 में आके अगेन आपके पास ज्यादा मैन्यूवर डायग्राम्स का स्कोप नहीं होता, बट थोड़ा फ्लो चार्ट बना के या ब्लॉक्स बना के ऐसा कुछ कर सकते हैं. पेपर 3 में अगेन एनवायरनमेंट में आप थोड़ा बहुत बना सकते हैं, अपना जो साइंस एंड टेक में कुछ बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, कंपैरिजंस कर रहे हैं तो
जैसे आप जैसे चंद्रयान का क्वेश्चन आया था तो चंद्रयान का बना दिया थोड़ा बहुत, उसका उसका रॉकेट बना दिया, तो ऐसे करके यू कैन मेक पेपर फोर में अगेन आप थोड़ा बहुत जैसे आपके वो सर्कल्स पाई चार्ट्स उन पे आप ध्यान दे सकते हैं। जरूरी नहीं हर में बनाओ, अगर 5-6 क्वेश्चंस में भी बनाया तो भी ठीक है, मतलब अगर 5-6 क्वेश्चन में डायग्राम 3-4 में फ्लो चार्ट 10 क्वेश्चन तक बनाया तो बहुत अच्छा बनाया, वेरी गुड एक्चुअली। और थोड़ा प्रेजेंटेशन पर भी थोड़ा असर पड़ता है उस पर ना, कि प्रेजेंटेशन थोड़ी और जो प्लीजिंग टू द आईज हो जाती है कि हाँ कि कुछ अच्छा लग रहा है पढ़ने में। एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचें, एग्जामिनर थोड़ा तो खुश हो जाता है वो देखकर, मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए ओवर यूज ना करें, लेकिन हाँ यूज तो करना ही चाहिए, करना चाहिए सर, ये डेफिनेटली सर। मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी था, तो सोशियोलॉजी के लिए तो सर स्लीपी का मतलब बहुत ही नाम मैंने सुना था एक्चुअली, आई थिंक ऑनलाइन किसी टेलीग्राम के चैनल से ही सुना था, या फिर मतलब रैंडम भी ध्यान नहीं मैंने कैसे सुना था एक्चुअली, बट मे बी आपका नाम पहले सुना था मैंने एक्चुअली, ऑनेस्टली बताऊँ तो कि शेखर दस सर का नाम पहले सुना था सोशियोलॉजी, आपके मैंने वीडियोज देख रही है, सॉरी आपके वीडियोज तो थे, आपके जो आपने वीडियोज डाले थे सोशियोलॉजी के, मैंने वो जो आपके थिंकर्स वाले और जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स के लिए जो आपके वीडियोज थे सोशियोलॉजी का, कैसे जन्म हुआ और कैसे जो आपने वो माइक्रो माइक्रो और उसका कॉम्बिनेशन सब बताया था, तो उससे मैंने सुना, तो जब मैंने वो वीडियो सुने तो उसके फिर जब मेरा मेंस निकला लास्ट ईयर तो मैं आपसे जुड़ा, मेंस 2022 पोस्ट में आपसे जुड़ा इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, तो इंटरव्यू गाइडेंस में मैंने आपसे मॉक दिया एक, फिर आपसे मेरा पर्सनल डिस्कशन रहा, तो फिर रिजल्ट नहीं आया तो भी आपने मुझे मोटिवेट किया कि फिर से ट्राई करो ऑन ऑल दोस थिंग्स, फिर मेरा फिल्म्स के बाद मेंस में थोड़ा बहुत आपसे मेरी बातचीत हुई थी एक आध बार, आई थिंक उतना ही अपना हुआ था रहा, उसके बाद फिर मेंस के बाद फिर अगेन मैंने आपसे डिस्कस किया कि मेरा मेंस कैसा गया, आपने थोड़ा बहुत मुझे इनपुट दिए कि अभी 2-3 महीने क्या कर सकते हो, उसके मेंस के रिजल्ट के बाद भी वी आर इन टच, तो इस तरीके से अपन मोर देन स्लीपी आई वाज इन टच विद यू आई विल से। ओके ओके सर, मास्टर बुक वाज नितिन सांगवान फॉर मी, सेकंड हरलम वो से मैं नोट्स बनाए थे एक्सटेंसिवली, मैंने काफी उसके 120-130 पेजेस के नोट्स बनाए थे हरलम वो से, क्रिस्प थे बट हर टॉपिक पे थे, तो वो मैंने किया। तीसरा सर मैंने स्लीपी क्लासेस के भी कुछ जो आपके वीडियोस थे उसके नोट्स बनाए थे स्टार्टिंग के चैप्टर्स के, मैंने इसे बताया उसके बाद फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन थे उस पर मैंने थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा लगा उस पर नोट्स बनाए। पेपर टू के लिए तुषार अंशु सर के कुछ वीडियो कुछ नोट्स थे उस पर मैंने नोट्स बनाए थे, और जो 3 किताबें उसकी थी मतलब वो 3 किताबें उसकी एक रहती जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उसको मैंने उस पर थोड़े थोड़े नोट्स बनाए थे, मतलब मैंने वो काम मैंने मेंस 2022 के बाद किया था, पहले मेंस में वो काम नहीं कर पाया था पेपर टू के रिगार्ड, उसके बाद फिर मैंने उसके छोटे छोटे नोट्स बनाए थे, आई थिंक मुझे इस टाइम उतने किसी काम नहीं आए बहुत ज्यादा, कुछ उसमें से फंसा नहीं तो, बट मैंने ये ब्रॉडली किया था और मैंने कोचिंग के जो टेस्ट दिए थे उसको अच्छे से पढ़े उसके सोल्यूशन बहुत अच्छे, मैंने विजन आईएएस की टेस्ट की थी सोशियोलॉजी की तो मैंने उसके सोल्यूशन बहुत अच्छे से पढ़े थे और मुझे काफी वो काम है, मैं उसको सॉरी रिकमेंड करना चाहूंगा ओपनली बिकॉज मुझे काफी हेल्प मिला। राइट ये तो दैट्स अ गुड आइडिया, हाँ कि जो चीज़ किसी के लिए काम कर रही है ना तो, और अगर उससे नंबर आ रहे हैं कुछ टॉप हो रहा है तो ये रिकमेंड करना चाहिए। ओके सोशियोलॉजी था सर मुझे बहुत पसंद आया सब्जेक्ट, मैं उसको अभी भी और पढ़ना चाह रहा हूँ, इसलिए आई थिंक अगला अटेम्प्ट दे ही रहा हूँ कि एक और बार सोशियोलॉजी पढ़ना पड़े, तो अगला अटेम्प्ट देने का भी ये कारण ये भी है एक्चुअली कि सोशियोलॉजी बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे लाइफ के बारे में काफी कुछ पता चला उससे, मतलब जब अपन किसी से बात करते हैं ना तो अपन को कैसे इश्यूज को एनालाइज करा जाए, मतलब हर इश्यूज के डिफरेंट पॉइंट्स को कैसे देखा जाए, लोगों की प्रॉब्लम्स को और बेटर कैसे समझा जाए, तो सोशियोलॉजी इन लाइफ हैज हेल्प मी अप, मतलब मैं समझता हूं। ओके सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट हैज बीन वेरी फ्रूटफुल फॉर मी, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये अभी तो जैसे ना अभी तुम जॉब में जाओगे तो यू विल सी इट मोर, और ये कि और तुम्हें हेल्प करेगा ये जॉब में, तो पहली बात सर पॉलिटी में हिस्ट्री में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, वो क्रिमिनल हो जाएगा अगर आपने उसमें क्वेश्चन गलत कर दिया, मतलब वो आप उसमें पॉलिटी में तो आप सोच ही नहीं सकते कि आपका कोई सवाल गलत हो, मतलब अगर आप उसको अच्छे से नहीं कर पाए तो फिर एग्जाम भगवान भरोसे रहता है, बिकॉज बाकी सबका तो इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक का तो यू नो नेवर नो। सेकेंडली पेपर को सॉल्व करने का तरीका, अगर क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहे हैं तो उसको स्किप करते जाइए, उस पर ज्यादा टाइम मत वेस्ट करिए, उसको रिपीटिशन में देखिए, ऑप्शंस को थोड़ा अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करिए बहुत सारे मॉक टेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट के, और ऐसा नहीं कि पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा अटैच रहिए बिकॉज यूपीएससी भी बदल रहा है, तो जो यूपीएससी के डिमांड के अकॉर्डिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने पेपर अच्छे बना रहे हैं। और तीसरा सर ये सीसैट को प्रैक्टिस कर लीजिए, सीसैट सुबह कट ऑफ आया 75 मार्क्स गया है बस प्रीलिम्स का कट ऑफ, तो एग्जैक्टली वो सीसैट के करीब पहुंच गया, 75 भी गया ना अभी तो आई थिंक 75 वो सीसैट के जितना ही बन गया बेचारा, सीसैट का कट ऑफ 67 75
तो सी साइड को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तो यही तीन चीज चीजें मैं बोलना चाहूंगा। और मेरा क्लियर हुआ है फिर भी मैं सी साइड को प्रैक्टिस करूंगा इस बार। ओके सर, आई वुड लाइक टू थैंक द होल स्लीपी क्लासेस टीम, बिकॉज आपके जो दो मॉक इंटरव्यूज मैंने दिए थे मुझे बहुत ही सही लगे थे। मतलब ऑनेस्टली जो क्वेश्चंस उससे पूछे गए थे दैट गेव मी अ लॉट ऑफ फॉडर पॉइंट्स। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने मॉक दिए थे बट वो बहुत ही लेम टाइम, मतलब ऐसा कुछ इतना मुझे यूटिलाइजेशन नहीं लगा था। बट आपके जो मॉक मैंने लास्ट ईयर भी दिए थे और इस टाइम जो जौहरी मैडम थी, आई थिंक शी वॉज द चेयरमैन ऑफ द पैनल, वो ऑनलाइन हमने लिया था, बहुत ही अच्छी उनकी एडवाइस लगी थी। उनके दो चार क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे थे वेरी इंपॉर्टेंट, एंड शी हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू। एंड मैंने उनको बताया था कि आई नो हिम पर्सनली, तो एंड वो कहते प्लीज कन्वे की का ही इज अ वेरी गुड कैंडिडेट, मैं कहा आई टेल हिम। तो उनके साथ बहुत ही जो चार क्वेश्चन हमने पूछे थे उससे मुझे काफी अच्छा लगा था पॉइंट्स जो मुझे मिलने थे। इंडिया चाइना को उन्होंने अप्रोच करने क्वेश्चंस का पूछा था कि पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिकली कैसे हम उसको लेते हैं, तो ये बहुत अच्छे एंगल्स उन्होंने दिए थे मेरे को सोचने के लिए। तो आई वुड लाइक टू थैंक स्लीपी अगेन फॉर द टू मॉक इंटरव्यूज दैट यू हैव गिवन मी, और शेखर सर आपका एडवाइस हमेशा रहा, योर गाइडेंस वाज ऑलवेज देयर, सो दैट इज व्हाट आई कैन वांट टू ऐड हियर। थैंक यू सो मच, एंड आई एम ग्लैड कि आपको सब कुछ फायदा भी हुआ। ओके, एंड अभी जो ऑलरेडी यू अचीव्ड ट्रेमेंडस सक्सेस है ना, पहले भी अभी एंड आगे भी चलता रहे प्रोसेस, और बहुत ही जैसे कम जो लोग या बच्चे होते हैं जिनके साथ कुछ पर्सनली बात हो पाती है कभी, अदरवाइज ये जो ऑनलाइन की दुनिया में तो सिर्फ इम्पर्सनल इंट्रैक्शन ही हो रही हैं, तो उसी के तहत मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा खुशी है कि यू गॉट थ्रू, और फाइनली लास्ट ईयर व्हेन यू मिस्ड तो फेल्ट लाइक कि नहीं नहीं होना चाहिए था तुम्हारा, तो इसलिए आज अच्छा लग रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, एंड जो थोड़ा इंजॉय करके वापस पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। राइट, सही है, बढ़िया है समीर, थैंक यू। और बाकी अगर कोई कभी ऐसे कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ डू लेट अस नो सर। डेफिनेटली सर, थैंक यू।